लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भद्रा क्या आदमी है तू, बता दिया ना सब कुछ मेरे बारे में। मैं सुपर हूँ, डुपर हूँ, हीरो हूँ, यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर हूँ, बता दिया ना सब कुछ, बता दिया ना इसने आपको। पता नहीं कैसा आदमी है, जब कोई किसी के बारे में पूछे तो बताना चाहिए, मेरे बारे में जो बताया वो सच है। ये तो अन्नू है, इसने क्या सोचना, कोई और होता तो सोचते। ठीक है मैंने तुझे माफ किया। वैसे अनु लास्ट ईयर थम्सअप कंपनी वालों ने मुझे बेस्ट ऑफ बेंगलोर का अवार्ड दिया था, ये बात भी इसने बता दी होगी। क्यों, कौन है तू? मैंने सोचा तू अपनी बहन के सामने मुझे अमिताभ की तरह पेश करेगा। तेरी तो, तूने मुझे जॉनी लीवर बना दिया। मैं ट्रैफिक हवालदार की तरह हाथ हिला रहा था और तू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, चले ही जा रहा था। मेरी तारीफ करने के लिए कहा तो तू बहाने बना रहे। रुक रुक, बताता तुझे। अरे रुक, मैं उससे बड़ा हूँ यार, मुझसे ही काम कराना गलत बात है। अगर तू ट्राई कर सकता हो तो कर ले। कोशिश तो मैं करूंगा, मैं उसे अपना दीवाना बना के रहूंगा। लोग लड़की को पसंद करके उसके पीछे भागते हैं, मगर भद्रा उसको अपने पीछे दौड़ाएगा, समझे क्या? मतलब तुझे मार खाना ही है? अब तू गया काम से, अभी बताता हूँ। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल, कितना भी छुप जाए, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। रुक, बोला तो तेरे को समझता नहीं क्या? ये क्या जबरदस्ती, शर्म नहीं आता क्या एक लड़के के साथ जबरदस्ती? जबरदस्ती ये बात नहीं है। और क्या, मैं देख रहा हूँ तुमको, जब से आया है राजा के हाथ धोके पीछे पड़ा है तुम। अरे जाने दो शांता भाई, इतनी सी बात के लिए चुप। तू अपना मुंह बंद रख, इसको मैं कब से देख रही है गड़बड़। ए एक बात समझ ले, ये सब उल्टी सीधी हरकत इधर चलने वाला नहीं। ए ले ले, क्या चल रहा था? हाँ देखा, मुझे छूने की कोशिश की तो ये हाल है, मेरी बहन को पटाने की कोशिश करेगा तो सोच ले। अरे भद्रा, आज तो तेरी किस्मत खुल गई रे। चिल्लाए, आप अकेले चिल्लाती तो अच्छा नहीं लगता ना। लंदन से अभी आई हो ना, इसलिए एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपना गांव तकलीफ दे, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। आप भी मेरी तरह फ्रैंक हैं। मैं भी, पर तुम ज्यादा। क्या मैं सच में ओवर कर रहा हूँ? नॉटी गर्ल। क्या है, तेरी शक्ल देखकर लगा तेरी बहन भी सीधी होगी। अकड़ू। ए सावित्री आई है। कौन सावित्री? सावित्री कौन? सावित्री बोले तो विश्वा की छोटी बहन। तू चुप कर, तुम बताओ सावित्री कौन है? मत बताना। बता, मत, बताओ मत, कौन है? बता, बता, मत बताना। वो एक नंबर एंडिंग लव स्टोरी है। अनु और राजा आए हैं इसलिए मैं ये खेल लेकर आई हूँ। ये क्या, अनु राजा रहेंगे तभी आएगी? मैं अनु से एक बार मिलकर आती हूँ। और वो कहानी अभी तक वही की वही है। अच्छा तो ये बात है। हाय सावित्री। हाय अनु। हेलो राजा, कैसे हो राजा? लगता है तुम थोड़े दुबले हो गए हो। दुबला हो गया? आए हो तो थोड़े दिन रुकोगे ना राजा? नहीं, चार साल ठहरेगा। अभी बोलो भद्रा ये क्या कर रहा है? तू चुप कर, छोड़। इसका क्या फायदा, क्या यूज है इसका? भद्रा भैया है क्या, चुच्चू चुच लगा रखा है?
चलो 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 भाग। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। आओ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे नहीं कह पा रहे हैं। ये बचपन से चल रहा है, मगर एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। वो क्या है कि मुझे मालूम है, विश्वा अपनी बहन की शादी कहीं और करा देगा और आप अपने भाई की शादी कहीं और करा देंगे। शादी के बाद अगर आपको पता चलता तो अफसोस होता। अफसोस होता ना, अफसोस होता। भैया सावित्री मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। ए, तेरी इतनी हिम्मत? आप ठहरो भाई, मैं इसे बताता हूँ। तुम दोनों ने एक होकर विश्वा को मेरा समझी बना दिया। चलिए। भैया, थैंक्स भैया। मैं भैया? भैया? अरे सुन सुन सुन, तुम चलो, सुन सुन, तुम अरे, चलो। अरे क्या बात है, क्या प्यार है। हेलो, कैसे है तू? मैं ठीक हूँ। और राजा क्या कर रहा है? वो तो मेरी वजह से सेटल हो गया, पर वो मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे तुम्हें उसकी मदद की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले आ जाता। अरे जरा भी इधर उधर हुआ ना तो गेम बजा देगा। वैसे सॉफ्ट है या कड़क है? दिखने में तो कड़क है पर सॉफ्ट है। तेरे को सॉफ्ट कैसे चलेगी? पीछा करके प्यार करना सॉफ्ट कड़क कुछ नहीं होता। मुझे कहने में उसका हीरो बन के सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मेरे जैसी दिखती है क्या? है छोड़। ये बताओ तुमने साड़ी देखी नहीं? क्या बात है, पास में ही खड़ी है क्या? मेरी जिंदगी के साथ मत खेल, फोन रख दे। कौन थी? गर्लफ्रेंड थी? गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड। रेणु राजा की भी फ्रेंड है। आप इधर कैसे? कुछ काम था? कल आपने राजा और सावित्री को मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या बोलूं? आप हेल्प करेंगे ना? भगवान, आप भी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे घर वालों को मालूम ना पड़े इस तरह मुझे मंदिर लेके जाइए। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, लंदन से आऊंगी तो माता देखूंगी। ले जाऊंगा, मुझे क्या दोगी? 100 दूंगी। आप चलिए चलिए चलिए। फू तेरी शक्ल पे। ये गांव का मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा मौसम तो लंदन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बिन लादेन और टोनी ब्लेयर में कभी राजनीतिक समझौता होगा? लड़कियों से इसी टॉपिक पे बात किया जाता है क्या? देखा, ऐसा टॉपिक हम लोग पे सूट नहीं होता। बोलो, कुछ बोलना है? आपकी कोई है क्या? नो चांस। कोई भी नहीं है? कोई नहीं, बहुत सी लड़कियां मेरे आगे पीछे घुमा करती हैं, लेकिन मैं किसी लड़की को घास नहीं डालता। हाँ, जिससे तुम्हारी शादी होगी कौन है वो लकी गर्ल? तुम। क्या तुमने अपने बारे में नहीं बताया ना? ओह, वैसे मैं प्यार व्यार में ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी आप जैसे किसी सीधे साधे लड़के से हो, नहीं तो जिंदगी पूरी फ्लाइट बन जाएगी, पूरा मौज मस्ती करने वाला हो। मैं और सीधा आपसे किसने कह दिया? मैं बेंगलोर में बहुत शरारती था, सिटी बस पे चढ़ता था तो लड़कियाँ इडियट। क्या रिवर्स हो गई? अरे वाह, पहले कहा तो खुद शरारती चाहिए, अब खुद ही। विश्वा विश्वा, हेलो, और बद्रा मंदिर की तरफ गए। थैंक्स, आपकी वजह से मंदिर आई और मेरी मन्नत पूरी हो गई। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अच्छा ये बताओ प्रोग्राम क्या है? अच्छा सा बढ़िया सा खाना। मैं आगे की लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ। लंदन में एक अच्छी सी नौकरी मिले, अच्छी पोजीशन बने और उसके बाद एक अच्छा सा पति। अच्छा, और उसके साथ वही सेटल। ये तो अन्याय है, ये तो कोई बात नहीं भाई। इधर पैदा हुए, इधर पढ़े, इधर बड़े हुए, अपना देश छोड़कर एक पराए देश के पराए इंसान को अपना दिल देना घोर अन्याय है। क्या देख रहे हो तुम? इधर पैसा कमाने को नहीं मिल रहा है, उधर कमाने जाते हैं, फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अपनी मातृभाषा भूल गए, अभी भी अपने देश से प्यार है, इसलिए कभी फोटो कभी डॉलर भेजते रहते हैं। ऐसे इंडियन लोगों के सब खिलाफ हूं मैं। सब लोग फॉरेन लड़का कहते रहते हैं और यहाँ जो सेटल और सीरियस लड़के हैं उनका कुछ नहीं होगा?
पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरे देश के बारे में सोचना चाहिए। ओके ओके, मैं कहीं भी रहूं, मगर मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करके इधर ही सेटल हो जाऊंगी। सच कह रही हो? ए, चल चल ए, हटा इन सबको। ए, हटो यहाँ से, हटाओ अपने बकरियों को। सुना नहीं क्या? हटाओ अपनी बकरियों को। मैं कहता हूं कोई भी आगे बताना, अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा, समझा? क्या है, कल उसने जो किया ये उसका जवाब है, पर तुम लोगों ने बड़ी आसानी से लड़की उसके हाथ में दे दिया। और एक ये पागल, लड़की को बस में करके इसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है इसको नहीं मालूम। अब अनु उसके हाथ में है, पर उसका क्या फायदा उसको? वो सोच रहा है कि वो अनु को लेकर भाग जाएगा और उसे तकलीफ देगा, और दोनों में से कुछ ऐसा होगा नहीं। वो अनु को ले जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तेरा क्या होगा? ए, ठहरो। हैं? इसे मार डालूंगा। हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ठहरो। मैंने कहा ना लड़की सेफ है। अरे विश्वा भाई, इसको समझाओ, ये सुनता नहीं है। जब तक वो जिंदा रहेगा ये झगड़ा खत्म नहीं होगा भाई। आज मैं हथियार नहीं उठा रहा, उसके पीछे मेरे आदर्श, मेरी कमजोरी नहीं। और तू किसे पूछ कर गई थी? हाँ, मंदिर नहीं सीधा भगवान के पास पहुंच जाती तू। चार दिन रहकर चला जाएगा ये, यहां की दुश्मनी से इसका कोई लेना देना नहीं है, मगर तू सुरेंद्र की बहन है, तेरे हर कदम पे वो लोग नजर रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, इधर की स्थिति को जानकर ही कदम उठाना चाहिए था तुम लोगों को। अपने ही गांव के मंदिर में अकेले नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति आप लोगों ने तो पैदा की है। क्यों? चुप रहो बेटा। यस, इंसान ही इंसान को मारे, ये कहां की इंसानियत है? अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप कौन सा सही कर रहे हैं? खामोश, तुम क्या जानते हो यहाँ के बारे में जो बोल रहे हो? हाँ, समस्या तो आप लोगों ने पैदा की है, तुम लोग उनको, वो लोग तुमको, कब तक? मरने माने से अच्छा है कि बैठ कर बात कर ले आपस में। स्टॉप इट! ये तुम्हारे प्यार, तुम्हारे कॉलेज में रैगिंग या तुम्हारे कैंटीन के झगड़े नहीं है जो आपस में बैठकर सुलझाया जा सके, ये दुश्मनी है, दुश्मनी, दुश्मनी जो हमारे रगों में आज भी दौड़ रही है। अगर बैठ करके बात हो सकती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरी बात तेरे समझ में आ रही कि नहीं? तू मुझे समझता क्या है? सुरेंद्र एमटेक फ्रॉम बीआईटीएस पिलानी, उमा माय वाइफ, एमएससी पढ़ी लिखी है, प्यार करके हमने शादी की, हम कितनी खुशी और कितने अरमान लेकर इस गांव में आए थे, मगर इस गांव में इतना खून खराबा था कि यहां मेरा स्वागत मेरे बाप की लाश रखा। बदले की आग में लोगों को जलते देखा, माओं की कोख उजड़ते देखा, यूथ की आंखों में मैं नफरत के शोले दिखे,
मैंने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, सोचा सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन मैं ही बदल गया, मैं ही बदल गया। अपने बाप की चिता को जलाकर मैं भी नफरत की आग में चल उठा। और मैंने भी हथियार उठा लिया। मैं जब भी बाहर जाता हूं तो सही सलामत लौटूंगा या मेरी लाश आएगी मुझे खुद को पता नहीं। एक एक पल घूट पी कर जीता हूं मैं। ऐसी जिंदगी जी रहे हम लोग, मेरी लाश देखकर मेरा बेटा भी हथियार न उठा ले, इसलिए आज तक हमने संतान को जन्म नहीं दिया। ये कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन अब खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए मैं अपने को दूर रखकर पढ़ा रहा हूं ताकि ये लोग अपनी जिंदगी नफरत के बीच नहीं बल्कि प्यार और शांति से जिए, शांति से जिए। इसलिए मैं सही हूं या गलत हूं, लेकिन मैं जब भी बाहर निकलता हूं लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते तो मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, दिल को तसल्ली मिलती है।